फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू होल एंड अ ह्यूज वेलकम टू जीता इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वेयर साइंस इज एवरीथिंग। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने किया था डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस से शुरू। तो उस पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़े थे, उसका कुछ फॉर्मूला विद डेफिनेशन ऑफ अ डिटरमिनेंट। तो इस लेक्चर में अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके वो लेक्चर देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो पहले वो लेक्चर अटेंड कीजिए, फिर इस लेक्चर पे आ जाइए। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो करने से पहले अगर कोई नया है इस चैनल पर, इफ यू विजिट न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट कीजिए लाइक। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं बोलता हूँ, क्या मैं दिख रहा हूँ आपको या मेरा आवाज़ क्लियर हो रहा है? अगर दिख रहा हो तो ऐसे कर दीजिए, आवाज़ भी क्लियर हो तो ऐसे कर दीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं डायरेक्ट लेक्चर की तरफ, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अपना नोट्स आपके साथ रखिए, जैसे मैं नोट डाउन करेगा वैसे आपको भी करना है। ठीक है, तो चलो लेट्स बिगिन द स्पेशल लेक्चर। फोर पॉइंट का फर्स्ट क्वेश्चन कह दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 2 7 -4 -15। तो हमें इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू ढूंढना है। तो हमें पता है कि वैल्यू कैसे निकलती है, क्या है फॉर्मूला वैल्यू निकालने का? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। यस करेक्ट, AD - BC, बराबर ये फॉर्मूला AD - BC। तो हम ये सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे कि हम लिखेंगे 2 7 - 4 - 15 = ठीक है AD - BC। AD - BC मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई बाय AD and BC। ठीक है, तो क्या आएगा 2 - -15 - -4 - 7। ठीक है, तो क्या आएगा 15 × 2, यस -30, -4 × 7 इज -20। ठीक है, तो -30 - -20, -, दो माइनस रहेगा तो क्या आएगा प्लस होएगा, तो क्या आएगा -30 + 28। ठीक है, -30 + 28 कितना आता है -2 = -2। ठीक है, तो आंसर आया हमारा -2। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ये जो डिटरमिनेंट इसका आंसर है -2। ठीक है, समझ में आया सम कैसे क्या? वी हैव डन AD - BC, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का साइन बीच में हमेशा याद रखना है, बिकॉज डिटरमिनेंट को ऑर्डर ऑफ टू निकालने में हमेशा बीच के माइनस ही आता है। ठीक है, तो समझ में आया पहले सम? समझ में आया तो थम्स अप करो। ओके, चलो बढ़ते हैं सेकंड सम की तरफ। सेकंड सम कह दिया है 2i 3 4 - i। ठीक है, ये सम दिया, ये सम हमने एक सॉल्व एग्जांपल में भी किया था, अगर आपको याद हो तो सॉल्व एग्जांपल में हमने सेम सम किया था। ठीक है, तो ये सम मैं आपको सॉल्व करने देता हूँ, अभी फटाफट करके सॉल्व करें, एकदम चुटकी बजे आंसर आना मांगता है। ठीक है, तो अभी इधर कुछ दिया नहीं, पर हमने को वैल्यू आई स्क्वायर का वैल्यू कितना रहता, आई स्क्वायर का वैल्यू इज -1। ठीक है, तो ये -1 है अपना, इधर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, हमने पहले से लिखा क्योंकि हमको पता है आई स्क्वायर इक्वल -1, तो गिवन नहीं दिया, इसका मतलब नहीं आई स्क्वायर का वैल्यू नहीं डालना है, आई स्क्वायर का वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व करो आंसर, जल्दी बताओ आया। ओके, देखते आपका आंसर और मेरा आंसर सेम है, क्योंकि डिटरमिनेंट का आंसर सेम रहना होता है। ठीक है, तो इधर मैंने सॉल्व किया तो क्या है इधर कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2i - 2i - i - 3 - 4, तो -2i² - 12, तो -2i² का मान है i² इज -1, तो -1 and -2 इज +2, 2 - 12 इज -10। ठीक है, समझ में आया, आपको भी आया आंसर -10? अगर आया तो वेल डन, नहीं आया तो ट्राई कर दीजिए। ठीक है, ट्राई कर दीजिए। ओके, चलो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड इज इधर सेकंड ऑर्डर ऑफ टू, तो बच्चे वाले संभाल वजह से तो हो जाएंगे जल्दी, ऑर्डर ऑफ टू का है तो ऑर्डर ऑफ थ्री का सम भी करते हैं। ठीक है, चलो ऑर्डर ऑफ थ्री क्या देखिए, थर्ड क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ 3/3 का डिटरमिनेंट है। ठीक है, 3 रो है 3 कॉलम है, तो हमें पता है 3 रो का कैसे हम एक्सपांड कर सकते, ठीक है, वैल्यू कैसे निकल सकती। सो वैल्यू निकालने के लिए बहुत सारे मेथड है उसका, हम कौन सी रो कंसिडर कर सकते। ठीक है, तो इधर पूछा नहीं कि तुम ये रो कंसिडर करके सॉल्व करो, पूछा तो नहीं, तो हम क्या करेंगे,
पूछा नहीं तो सबसे बेसिक पहला रो कंसीडर करेंगे, मतलब ए रो कंसीडर करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, फर्स्ट रो कंसीडर करके सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, पहले लिखते हम 3, ठीक है, 3 लिखा, उसके बाद 3 लिखने के बाद 3 का क्या एरेस करेंगे, दिस साइड एंड दिस साइड विल बी एरेस्ट, बचा क्या ये वाला, तो ये एक डिटरमिनेंट बन गया, तो क्या है 1 - 2 - 3 - 1, ठीक है। तो बीच में हमेशा एक क्या साइन रहता है, एक व्हेन वी सॉल्व देयर इज अ साइन ऑफ माइनस, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कंसीडर करेंगे हम, -4 वाला, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे -4, ठीक है। तो जब -4 कंसीडर करते हैं तो क्या आएगा, -4 कंसीडर करते तो क्या आएगा, -4 लेंगे तो हम क्या ऑमिट करेंगे, ये और ये विल बी एरेस्ट, ठीक है, इन सबको रिमूव करेंगे, बचा क्या इधर, बचा है इधर डिटरमिनेंट 1 - 2 - 1, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम कंसीडर करते कि ये सब होने का प्लस लिखते, बराबर प्लस माइनस प्लस, हम कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, हम कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो अभी हम कंसीडर करेंगे 5, तो 5 लेंगे प्लस 5, ठीक है। तो जब प्लस 5 है तो हम क्या एरेस करते हैं, ठीक है, प्लस 5 है तो हम क्या एरेस करते हैं, 5 का जो कॉलम एंड 5 का जो रो है उसे पूरा टोटली एरेस्ड। तो बचा क्या है, ये वाला मैट्रिक्स, मतलब ये वाला डिटरमिनेंट बचा है 1 - 2 - 1 - 3, ठीक है, आए समझ में। तो हमें पता है ऑर्डर ऑफ 2 निकालना कैसे आता है, सिंपल वे, तो ऑर्डर ऑफ 2 निकालते क्या, अभी वी कैन राइट 3, ये 2 * 2 वाला डिटरमिनेंट है, 2 ऑर्डर वाला, तो कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में माइनस, तो 1 * 1 = 1 माइनस 1 * 1 = 1 माइनस -2 * 3 = -6, ठीक है, -4, अभी क्या आएगा 1 * 1 = 1 माइनस -2 * 2 = 4, तो इट इज -4 प्लस 5, 3 * 1 = 3 -2 * 1 = 2, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3, 1 माइनस 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 क्या बनता है, प्लस बनता है, तो 1 - -6 = 1 + 6 माइनस 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 अगेन प्लस, तो प्लस 4 अगेन यार माइनस माइनस इज प्लस, तो 1 - 1 + 4 प्लस 5 3 - 2, ठीक है। तो अभी क्या आएगा 1 + 6 = 5 - 7 4 + 1 = 5 प्लस 5 3 - 2 = 1, तो क्या आएगा आंसर 7 * 3 = 21 प्लस 5 * 4 = 20 प्लस 5 ऐड करो क्या आएगा 21 + 20 = 41 41 + 5 = 46 एंड आंसर वी गेट इज 46, ठीक है, समझ में आया सब, ज्यादा कुछ नहीं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बस, ठीक है, ये याद कर आते तो आगे के सब हम कर सकते, ठीक है। ओके नाउ लेट्स मूव टू 4th, अगर ये समझ में आया तो ये थम्स अप बनता है, बराबर, ओके लेट्स गिव थम्स अप टू द चैट। ओके नाउ लेट्स मूव टू टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, इन दिस वी हैव गिवन अ अल्फाबेट में दिया, ये नंबर कुछ नहीं दिए, ठीक है। तो अगर हम देखें पिछले सब समय हमने नंबर दिया था, बट इस समय अल्फाबेट दिया, तो इसका आंसर भी अल्फाबेट में जाएगा, तो कौन सा वैल्यू अगर इक्वेशन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने सेम मेथड है, डिटरमिनेंट का कैसे ढूंढना है, ऑर्डर ऑफ 3 का हमें वैल्यू ढूंढना है, बराबर, तो क्या यूज़ करते हैं हम, एक्सपांड करते हैं, बराबर, तो इसको एक्सपांड करने के टाइम क्या मिलेगा, अगर इसको एक्सपांड किया तो हम करेंगे फर्स्ट रो को एक्सपांड करेंगे, ठीक है, तो कहेंगे ए ए ए का अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इरेज कर दो क्या बचा है बी एफ एफ सी, ठीक है, फिर हमें माइनस डालना रहता है बीच में,
माइनस एच, पहला एच का जो कनेक्टेड है ये और ये इरेस हो गया, तो बचा क्या एच जी एफ सी, ठीक है, प्लस प्लस क्या जी ए रेस मतलब ये और ए रेस हो गया, तो क्या बचा है एच जी बी एफ, ठीक है, इधर तक हो गए, समझ में आया इधर क्या क्या हमने से फॉर्मूला में उसके। नेक्स्ट वी हैव टू एक्सपांड टू, ऑर्डर ऑफ टू को एक्सपांड करना, तो क्या है ए बी इंटू सी, वी नो ए डी माइनस बी सी, सॉरी ए डी माइनस बी सी एस, तो इधर बी इंटू सी माइनस एफ इंटू एफ इज एफ स्क्वायर माइनस एच एच इंटू सी एच सी माइनस जी एफ प्लस जी ब्रैकेट में एच इंटू एफ इज एच एफ माइनस जी बी, ठीक है, तो अभी सबको आंसर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा ए इंटू बी सी इज ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस एच इंटू एच एफ स्क्वायर इंटू सी माइनस माइनस गेट प्लस एच इंटू जी एफ इज एच जी एफ प्लस जी एच एफ माइनस जी स्क्वायर बी, ठीक है, जी स्क्वायर बी। अगर इधर देखो तो एच जी एफ जी एच एफ दोनों सेम है, तो हम इसको एक तरह से जैसे लिखेंगे एक जैसे, ठीक है, दे आर आइडेंटिकल सो वी कैन राइट एज सेम, सो हम क्या करेंगे इधर जी एच एफ एंड जी एच एफ, ठीक है, तो अभी क्या है इक्वेशन ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी प्लस प्लस क्या आएगा अगर एक्स प्लस एक्स लिखा तो हम क्या लिखते टू एक्स रहता बरबर, अगर दो आइडेंटिकल तो प्लस करते तो टू प्लस एक्स लिखते बरबर, सेम इसी तरह जी एच एफ एंड जी एच एफ दो आर आइडेंटिकल सो वी कैन ऐड वी गेट टू जी एच एफ माइनस जी स्क्वायर बी, ठीक है, इसके बाद कुछ कर नहीं सकते तो इधर तक ही रखेंगे, ठीक है, समझ में आया सब, अगर समझ में आया तो एक थम्स अप बनता है, ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए स्क्रीनशॉट लेके, ओके चलो बढ़ते अगले वाले सम की तरफ, ठीक है, समझ में आया सब, चलो बढ़ते अगले वाले सम। नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इधर क्या दिया है इन सबका वैल्यू इक्वल टू जीरो आता है, हमें एक्स ढूंढना है, ठीक है, हमें पता है कि इन सबका वैल्यू इक्वल टू जीरो आता है, इक्वल टू जीरो मतलब इसका वैल्यू जीरो आता है, तो हमें ढूंढना है एक्स की वैल्यू ढूंढना है, तो क्या करेंगे ये तो ऑर्डर ऑफ टू का चीज, तो क्या करेंगे ए डी माइनस बी सी करेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे, इसमें आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, तो सॉल्व करके क्या मिलेगा हमें बी टू ए डी माइनस बी सी इसको इससे और इसको इससे, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है, और बीच में क्या लिखते हैं माइनस के साइन माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू क्या दिया जीरो दिए, ठीक है, मेरा हार्ट बन गया, ओके इक्वल टू जीरो। अभी इधर देखो तो इधर एक्स प्लस वन हर जगह कॉमन है, इधर भी एक्स प्लस वन है इधर भी एक्स प्लस वन है, ठीक है, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से अच्छा हम क्या करिए एक्स प्लस वन को बाहर निकालेंगे कॉमन निकालेंगे, तो क्या आएगा एक्स प्लस वन जिस इक्वल टू एक्स प्लस वन को बाहर निकाला, तो क्या आएगा इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस इधर क्या बचेगा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इधर से एक ही बार निकला x प्लस वन एक ही बार निकला, ठीक है, तो अभी क्या कर सकते इधर क्या कर सकते ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस इंटू एक्स इज माइनस एक्स माइनस इंटू वन इज माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो इधर क्या कट होगा इधर वन एंड वन गेट कैंसिल और क्या बचा अभी एक्स प्लस वन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो,
a minus x and minus x is equal to minus 2x. जैसे हम x plus x के लिए 2x लिखते, उसी तरह minus into minus x and minus x is minus 2x. ठीक है, तो अभी इधर देखो, इधर क्या कॉमन निकल सकता है, अभी और क्या कर सकते, इधर x कॉमन है, इधर x square है, इधर x है, तो x को बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x plus 1, sorry, equal to 0, equal नहीं लिखना है, हमें पहले से equal to 0 लिखा है, तो double equal नहीं लिखना है. तो x plus 1, x को अगर बाहर निकाला, तो बचा क्या अंदर, x minus 2 is equal to 0. ठीक है, अभी तो इसके आगे कुछ कर नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या होता है, इनमें से किसका तो एक वैल्यू इक्वल टू जीरो है, तो हम एज्यूम करते कि x इक्वल टू जीरो और x प्लस वन इक्वल टू जीरो और x माइनस टू इक्वल टू जीरो. ठीक है, कौन सा एक वैल्यू जीरो, इसलिए हम सबको इक्वल टू जीरो और इक्वल टू जीरो और इक्वल टू जीरो. अगर ये तो जीरो आना मांगता तो इनका कौन सा एक वैल्यू जीरो रहेगा, जीरो से किसको मल्टीप्लाई करो जीरो जाता ना, उससे कौन सा एक वैल्यू जीरो रहेगा. तो वी कैन राइट x इक्वल टू जीरो और x वन उधर गया तो क्या आएगा, माइनस वन और x इक्वल टू माइनस टू उधर गया तो प्लस टू, एंड द वैल्यू ऑफ x इज, x का तीन वैल्यू निकलता है, एक तो जीरो रहेगा, माइनस वन रह सकता है या फिर टू रह सकता है. ठीक है, एक तो जीरो रह सकता है, माइनस वन या फिर टू, समझ में आया सब. ठीक है, इधर क्या क्या, x प्लस वन को कॉमन निकाला, इन दिस स्टेप वी टेकन x कॉमन, तो हमें तीन वैल्यू मिलता है इसमें, तो वी हेंस x का वैल्यू हमने ढूंढ लिया. ठीक है, समझ में आया सब, अगर समझ में आया तो एक थम्स अप दीजिए अपने चैट बॉक्स में. ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो डाउट पूछिए फिर, तो लिखे क्या, वी हैव नॉट अंडरस्टूड. ठीक है, तो करते हैं अगले वाले सम, अगले वाले सम में क्या दिया है, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, सेकेंड क्वेश्चन में कुछ वैल्यू दिया है कि x माइनस वन टू, टू एक्स वन माइनस थ्री, थ्री माइनस फोर फाइव इज इक्वल टू 29. ठीक है, फिर से इसका वैल्यू दिया है, हमें क्या ढूंढना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको एक्सपांड करेंगे, एक्सपांड करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, तब तक आप एक्सपांड करो. ठीक है, आपको मैं तीन मिनट देता हूँ, एक्सपांड करके देखो x का वैल्यू क्या आता है. ठीक है, ट्राई करो.
चलो देखते हैं आपका आंसर और मेरा आंसर सेम आता है कि नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है चलो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे इधर एक्सपांड करने के लिए कौन से पे एक रो सेलेक्ट करना है। तो ऑब्वियसली मैं फर्स्ट रो सेलेक्ट करूंगा, फर्स्ट रो इजी है सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट रो में क्या आता है, एक्स माइनस वन टू। तो हम एक्स अगर एक्स कंसिडर करते हैं तो इरेज क्या होगा, ये पूरा टेबल बराबर इतना एक इरेज हो जाएगा। तो बच्चा क्या है, वन माइनस फोर माइनस थ्री फाइव। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या क्या आता है, माइनस साइन आता है पहले, फिर कंसिडर करेंगे माइनस वन। ठीक है, माइनस वन कंसिडर किया तो इधर क्या इरेज होगा, माइनस वन लिया तो इधर इरेज होगा क्या, ये वाला पूरा टर्म, ए टर्म इरेज हो जाएगा। तो बच्चा क्या इधर टू एक्स थ्री माइनस थ्री फाइव। ठीक है, नेक्स्ट प्लस लिखते हम, प्लस टू। तो प्लस टू लेंगे तो क्या इरेज होगा इधर, प्लस टू लेंगे तो क्या आएगा इधर, ये इरेज हो जाएगा, ये टर्म इरेज हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा टू एक्स थ्री वन माइनस फोर इक्वल टू ट्वेंटी नाइन। ठीक है, नेक्स्ट इसको एक्सपांड करना है, ऑर्डर ऑफ टू इसलिए एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स ब्रैकेट में वन इंटू फाइव इज फाइव माइनस माइनस फोर इंटू माइनस थ्री प्लस ट्वेल्व बराबर माइनस 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 गेट वन प्लस वन ब्रैकेट में टू एक्स इंटू फाइव इज टेन एक्स माइनस माइनस थ्री इंटू थ्री इज माइनस नाइन प्लस टू टू एक्स इंटू माइनस फोर इज माइनस एट एक्स माइनस थ्री इंटू वन इज थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन बराबर। तो अभी क्या आएगा, x 5 माइनस ट्वेल्व इज माइनस सेवन प्लस टेन एक्स माइनस माइनस नाइन। तो हम लिख सकते हैं टेन एक्स प्लस नाइन प्लस टू माइनस एट एक्स माइनस थ्री जीरो टू ट्वेंटी नाइन। ठीक है, इधर तक आया सबका सेम। नेक्स्ट क्या आएगा, माइनस सेवन इंटू एक्स इज माइनस सेवन एक्स प्लस वन इंटू टेन एक्स इज टेन एक्स वन इंटू नाइन इज प्लस नाइन प्लस प्लस नाइन अभी टू इंटू माइनस एट एक्स इज माइनस सिक्सटीन एक्स टू इंटू माइनस थ्री इज माइनस सिक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन। ठीक है, तो एक्स का टर्म एक साथ लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस सेवन एक्स प्लस टेन एक्स माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस नाइन माइनस सिक्स इक्वल टू ट्वेंटी नाइन। ठीक है, माइनस सेवन एक्स प्लस टेन एक्स इज थ्री एक्स माइनस सिक्सटीन एक्स इज माइनस थर्टीन एक्स माइनस थर्टीन एक्स प्लस नाइन माइनस सिक्स इज माइनस थ्री इक्वल टू ट्वेंटी नाइन। तो माइनस थर्टीन एक्स इक्वल टू थ्री को उधर भेजा तो क्या आएगा, ट्वेंटी नाइन प्लस थ्री सॉरी माइनस नहीं था प्लस थ्री है, इधर आएंगे तो माइनस थ्री इट इज इक्वल टू माइनस थर्टीन एक्स इक्वल टू 29 माइनस थ्री इज 26 बराबर। तो इधर क्या आएगा अभी, देयरफॉर वी कैन राइट माइनस एक्स इक्वल टू चलो एक्स का लेंगे माइनस बी उधर भेजिए माइनस 26 अपॉन 13 ये 13 इधर गया माइनस के साथ। ठीक है, तो क्या आएगा 13 वन सा 13 टू सा देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स इक्वल टू क्या माइनस टू। सबको आया आंसर माइनस टू, सबको आया माइनस टू, ओके ओके सबको आया माइनस टू। ठीक है, जिनका आया माइनस टू वेल डन, आपने सीख लिया ये सब। जिनका नहीं आया वापस से सबको फिर से देखिए, ट्राई करके वापस सॉल्व करिए। ठीक है, तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या दिया है कि फाइंड एक्स एंड वाई इफ फोर आई आई क्यूब टू आई वन थ्री आई स्क्वायर फोर
pi minus 3i equal to x plus iy, where I square equal to minus 1. हमें x and y ढूंढना है, ठीक है? हमें determinant दिया 3 का, वो equal होता है x plus iy का, ठीक है? तो हमें determinant form करना है, तो determinant का जब solve करेंगे हमें एक value मिलेगा, उस value में हमें x and y का value ढूंढना है, ठीक है? तो हमें given क्या क्या दिया, x square equal to minus 1 दिया है, ऊपर से हमको ये भी पता है, iq क्या रहता है? अगर complex number आपने देखा है, तो iq is equal to क्या है? Complex number में iq equal to minus i रहते हैं, बराबर? तो ये डिटरमिनेंट कैसे लिखेंगे अभी? डिटरमिनेंट का हम लिख सकते हैं कि 4i 1 5 i क्यूब की जगह में लिखेंगे माइनस i 3 i स्क्वायर, i स्क्वायर क्या है? माइनस 1, माइनस 1 इनटू 3 इज माइनस 3, तो माइनस 3 लिखेंगे एंड माइनस 3 जो तो गिवन दिया है माइनस 3 2i 4i इज इक्वल टू x plus i y, अभी हमें डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करते हैं? एक्सपेंडिंग करके सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या मिलेगा हमें? चलो साथ में सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो 4 i वापस फर्स्ट रो कंसीडर करेंगे, 4 i माइनस i 2 i को कंसीडर करेंगे, तो पहले आएगा 4 i ब्रैकेट, क्या बचा है 4 i में से? a और a गया, a साइड और a साइड गया, तो क्या बचा है? माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 4 i, ठीक है? माइनस सेकंड इज व्हाट? माइनस i, अभी सेकंड क्या है? मतलब ये और ये साइड गया, तो बचा क्या? 1 5 4 i, ठीक है? सेकंड का सेकंड कॉलम फर्स्ट रो ओमिट हो गया, बचा क्या? 1 5 4 i, लास्टली भी राइट प्लस 2 i, तो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो एरेस हो गया, तो क्या बचा इधर? 1 5 माइनस 3 माइनस 3, ठीक है? इज इक्वल टू x प्लस iy, अभी क्या आएगा सॉल्व करते, ठीक है? सॉल्व करने टाइम क्या मिलेगा? 4 i ब्रैकेट में माइनस 3 इनटू i इज माइनस 3 है, माइनस माइनस 3 इनटू 4 इज 12 माइनस 12 and this minus we get plus 12, ठीक है? उधर minus 12 मिला था और बीच में एक minus sign है, इसलिए हमने plus 12 लिखा direct, ठीक है? minus minus is minus minus i is plus i, फिर से 1 into i is i minus 5 4 is 20 plus 2i minus 3 into 1 is minus 3 माइनस माइनस 3 इनटू 5 इज माइनस 15 और इधर माइनस है इसलिए हम लिखेंगे प्लस 15 इक्वल टू x प्लस i y, ठीक है? अभी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 i इनटू माइनस 3 i इज माइनस 12 i स्क्वायर प्लस 4 इनटू 12 इज 48 i, 4 i इनटू 12 इज 48 i प्लस i इनटू i i स्क्वायर माइनस 20 आए प्लस इधर क्या आएगा? माइनस 3 प्लस माइनस 3 प्लस 15 इज 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है? तो क्या आएगा? माइनस 12 आई स्क्वायर प्लस 48 आई प्लस आई स्क्वायर माइनस 20 आई प्लस 2i into 12 is 24i is equal to x plus iy, ठीक है? इतना नोट डाउन करो, इतना समझ में आया क्या क्या हमने इधर? ठीक है, वेल डन, नोट डाउन करो। ये क्या आएगा? हमें गिवन में क्या रहता है? i square equal to minus 1 है, तो जिधर जिधर i square उधर हम minus 1 पुट करेंगे, तो क्या आएगा? minus 12 i square की जगह माइनस 12 आई स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम? माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 48 आई प्लस आई स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? प्लस आई स्क्वायर की जगह लिखेंगे माइनस 1 माइनस 20 आई प्लस 24 आई
is equal to x plus i y. बराबर, तो अभी क्या आएगा, माइनस 12 माइनस 1 इज प्लस 12 प्लस 48 i माइनस 20 i प्लस 24 i प्लस 1 प्लस माइनस 1 इज माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस i y. ठीक है, तो क्या आएगा इधर, 48 i माइनस 20 i, तो ये करेंगे माइनस 20 i प्लस 24 i इज 4 i, 4 i प्लस 50 48 i इज 52 i. तो 12 माइनस 1 इज 11 प्लस 52 i इक्वल टू x प्लस i y. ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ये देखो मैट्रिक्स ये कंपेयरिंग विद बोथ साइड वी कैन राइट x इक्वल टू 11 एंड y इक्वल टू 52. ठीक है, कंपेयरिंग करें तो कंपेयरिंग वी गेट, अगर ये दो साइड को कंपेयर करें तो x का वैल्यू 11 आएगा, y का वैल्यू 52 आएगा. ठीक है, समझ में आया, ऐसे हम पूरा समझ में आया. ठीक है, नोट डाउन करो, अगर समझ में आया तो एक थम्स अप बनता है चैट में. ठीक है, तो बढ़ते हैं फोर्थ वाले सम की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है, फाइंड द माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट डी 215 माइनस 127 3 माइनस 12. हमें इसका माइनर एंड कोफैक्टर ढूंढना है. ठीक है, लेक्चर 1 में हमने देखा था माइनर एंड कोफैक्टर कैसे ढूंढते, तो उसी वे में हम ढूंढेंगे. ठीक है, तो माइनर एंड कोफैक्टर कैसे ढूंढते, एक एक एलिमेंट का माइनर और एक एक एलिमेंट का कोफैक्टर ढूंढते, मतलब ये एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट करता है. इट इज नथिंग बट इक्वल टू, हाउ द डिटरमिनेंट कैसे रिप्रेजेंट करता है, डिटरमिनेंट में क्या रहता है, a11 a21 a31 a12 a22 a32 a13 a23 a33. ठीक है, दिस इज हाउ द डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट. ठीक है, तो हमें सबका वैल्यू निकालना है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम a11 से लेके a33 का वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो माइनर माइनर एंड कोफैक्टर निकालना. ठीक है, तो पहला माइनर ऑफ a11 क्या आएगा, माइनर ऑफ a11 को हम कैसे लिखेंगे, m11 इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था माइनर में क्या होता है, जो i एंड j टर्म है उसको ओमिट करना है, मतलब 1 एंड 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ओमिट करना है, मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को ओमिट करना है. बचा क्या, a22 a23 a32 एंड a33. बराबर, तो इधर कैसे आएगा ये बचा. ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 27 माइनस 12 विच इज नथिंग बट 2 2 4 माइनस माइनस 1 इंटू 7 इज माइनस 7 विच इज नथिंग बट 4 प्लस 7 विच इज 11. ठीक है, m11 क्या है, 11 है. m11 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनर ऑफ a11 इक्वल टू 11. अभी कोफैक्टर ढूंढना है, कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है, सी आई जे इक्वल टू माइनस 1 i प्लस जे टू एम आई जे. ठीक है, ये सी आई जी का फॉर्मूला, ये सी आई जी आपको दिख रहा है, तो वो जूम करता हूँ मैं. ठीक है, ठीक है, जरा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तभी ट्राइम टू देखने के लिए आपको दिख रहा है कि नहीं. ठीक है, दिख रहा था इस दफा, ये और जूम करता हूँ. ठीक है, माइनस 1 i प्लस जे, तो क्या रहता था, सी आई जे, हमें सी 11 ढूंढना है, एम 11 ढूंढा, अभी सी 11 11 डालेंगे, आई की जगह क्या लिखे, 1 1 माइनस 1 i प्लस जे की जगह 1 प्लस 1 एम 11. ठीक है, माइनस 1 1 प्लस 1 इज 2, एम 11 क्या है, अभी निकाला 11 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1 इंटू 11 विच इज 11. तो एम 11 एंड सी 11 इज इक्वल टू 11 आया. ठीक है, दोनों का वैल्यू निकाला, ऐसे हमें एम 12 निकालना है अप टू एम 33 निकालना. ठीक है, तो जल्दी से निकालो आप सब, सेम इसी पे निकालना है, कैसे निकालते, तो चलो आगे का तुम निकालो, एम 12 एम 13 एम 21 एम 22 एम 33. ठीक है, टोटल मैंने एक बनाया, बचा है 8 एलिमेंट, तो 8 एलिमेंट आप निकालो, देखते किसका किसका करंट आता है. सबका सॉल्व हो गया,
किसी को कोई डाउट माइनर रैंक ऑफ फैक्टर के ऊपर अगर डाउट है तो प्लीज बताइए कमेंट में, अगर नहीं है डाउट समझ में आया तो एक थम्स अप बनता है, ठीक है। तो सबका आंसर क्या क्या है बताओ। चलो मैं कैमरा देख, जरा कैमरा लेता हूँ इधर। ओके सबको दिख रहा है आंसर क्या क्या है। देखो एम वन वन का क्या है, 11, सी वन वन 11, एम वन टू 7, एम सी वन टू इज माइनस 7, एम वन थ्री इज माइनस 3, सी वन थ्री इज माइनस 3, एम टू वन इज माइनस 23, सी टू वन इज 23, एम टू टू इज माइनस 11, सी टू टू इज माइनस 11, एम टू थ्री इज माइनस 3, सी टू थ्री इज 3, एम थ्री वन इज माइनस 5, सी थ्री वन इज माइनस 5, एम थ्री टू इज माइनस 5, सी थ्री टू इज ऑल्सो प्लस 5, एम थ्री थ्री इज 5 एंड सी थ्री थ्री इज 5, ठीक है। सबको ये आंसर है। आज के लिए इतना ही बस, ज़्यादा हो गया सम तो भी आज के लिए इतना ही बस। फोर्थ क्वेश्चन तक किया हमने, अगले बार हम फिफ्थ सम से सॉल्व करेंगे। दो ही सम रह गए, फिफ्थ एंड सिक्स, उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज और डिटरमिन करेंगे, ठीक है। तो आज जो जो सिखाए सबको समझ में आया, अगर समझ में आया तो कमेंट में एस करके लिख दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिलहाल के लिए बाय। बट एक मिनट, अगर आपने बिफोर लीविंग यूट्यूब अगर आपने सब्सक्राइब दो जो जीता इंस्टीट्यूट के साइड में सब्सक्राइब अगर लाल में दिख रहा है तो प्लीज़ उसको दबा दीजिए, ठीक है। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करके जाइए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए वेरी गुड बाय एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल दैट स्टे होम एंड स्टे सेफ।